हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। आज हम उसी से संबंधित एक और प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, हमें दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज PQR में भुजा PQ और QR बराबर हैं और ST भुजा PR के समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PSTR एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि हम यह सिद्ध कर दें कि कोण P धन कोण RTS बराबर 180 अंश है, या फिर कोण R धन कोण PST बराबर 180 अंश है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PSTR एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न के अनुसार त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा PQ और QR बराबर हैं। इसीलिए कोण P और कोण R बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे समीकरण एक मान लेते हैं और हमें दिया है कि ST भुजा PR के समांतर है। यदि PQ को तिर्यक रेखा माने तो कोण P और कोण PST का योग 180 अंश होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। इसे समीकरण दो मान लेते हैं। समीकरण एक से कोण P और कोण R बराबर हैं। अब इस समीकरण दो में कोण P के स्थान पर कोण R रख सकते हैं, यानी कोण R धन कोण PST बराबर 180 अंश होगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, जिससे हमें यह समीकरण मिलेगा। और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, तो कोण P और कोण RTS का योग भी 180 अंश होगा। दोस्तों, आप समीकरण 3 और 4 को देखिए। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PSTR के सम्मुख कोण संपूरक हैं, और हमें यही सिद्ध करना था, यानी चतुर्भुज PSTR एक चक्रीय चतुर्भुज है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स पर आधारित एक प्रश्न हल किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।